मैं तो ये डैमेज नहीं कहूँगा, ये मुकम्मल तौर तबाह हुआ है। डैमेज जो है वो पार्शली तौर, क्योंकि इसको स्लाइड की वजह से मकान जो है दो परिवार का मुकम्मल तौर तबाह हो चुके हैं। तो हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे, डीसी साहब से अपील करेंगे, एडमिन से अपील करेंगे, सबसे पहले इनको टेंट अता किया जाए ताकि ये रह सकें और इनको फिल फोर जो है रिलीफ दी जाए, क्योंकि यहाँ पर दो बच्चों की शादी भी है 4-5 तारीख और यहाँ पर एक बेवा औरत रहती है, तो हम चाहेंगे कि इनकी मदद की जाए। मैं देखो, मैं यहाँ पर एक सरपंच भी हूँ और मैंने इसमें कुछ बार बार जो डीसी साहब, एक्सिन साहब, कोई जगह नहीं मैं छोड़ी कि इस सड़क के लिए मैं जाता रहा। आप, मैंने परसों भी जही साहब को फोन किया है, मैंने कहा जो आपके डंगे ये जमीन के ऊपर नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं जो डंगा, अगर आप यहाँ पर कैमरा घुमाएंगे तो आप, ये डंगा भी ऊपर से आने वाला है। हमने उसको बोला था कि ये डंगा जो नीचे से स्टार्ट करो, इन्होंने ऊपर से किया कि हिल एरिया है। हम डीसी साहब से गुजारिश करेंगे कि उस ठेकेदार की पेमेंट नहीं होनी चाहिए जब तक ये सड़क जो है पूरी ना हो। और हमने पहले ये भी बोला था कि जितनी सड़क निकालते हो जमीन का कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, उतनी इसको सही करके आगे चलते जाओ। उनने अर्थ कटिंग की है, इसको अर्थ कटिंग को भी ये लोग जो है सड़क बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए डीसी साहब से गुजारिश करेंगे इस रोड का भी फिलफोर जो है काम लगाया जाए।